गुड मॉर्निंग किड्स, उम्मीद है कि सभी बच्चे अपने घर पे ठीक से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बेटा गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो गर्मी से बचाव के लिए भी आप सभी बच्चों ने अपने घर के अंदर ही रहना है। ओके बेटा, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना विषय हिंदी। जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी का रिविज़न वर्क स्टार्ट किया हुआ है और हमने आ मात्रा का अब हम अभ्यास कर रहे हैं। ओके बेटा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाठ नंबर 3 समझदार अजय, ये जो आपका पाठ था बेटा, ये था हमारी आ मात्रा से संबंधित। तो आज आपने इसी पाठ की रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करनी है बेटा? अच्छे से आप मात्रा की साउंड निकालोगे, आवाज़ निकालोगे। जैसे कि शब्द देखिए, उजाला, तो आप इसको कैसे रीड करोगे? ऊ जा ला। इसी तरह बेटा आपने बाकी के शब्दों की भी रीडिंग करनी है। अगर आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा इस लेसन से संबंधित हमारी पहले भी वीडियो बन चुकी है रीडिंग से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आज आपने बेटा इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करनी है, साउंड निकाल के मात्रा की शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बेटा आपने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, कुछ शब्दों के नीचे मैंने लाइन लगाई है, आपने इन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आज आपका काम है बेटा कि आप इस लेसन की आज रीडिंग करेंगे और इस के जो शब्द हैं वो आप कॉपी पर लिखेंगे। देखिए अब हम अपने शब्दों को कैसे लिखना है। हाँ जी बेटा, तो अब पाठ नंबर 3 की रीडिंग करने के बाद आप अपनी हिंदी की कॉपी खोलेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा कि फर्स्ट क्लास में आपकी हिंदी की जो कॉपी है वो डबल लाइन कॉपी लगेगी, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कॉपी में बेटा एक लाइन छोटी होती है और एक लाइन बड़ी होती है, हमने छोटी लाइन में लिखना होता है। ओके, तो अब आपने पाठ नंबर 3 के नए शब्द लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? सबसे पहले आप ऊपर कॉपी के ऊपर डेट डालेंगे, उसके ऊपर पाठ नंबर 3 लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे नए शब्द। पहले आप तीनों ये हेडिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपने अपनी कॉपी पर एक पेड़ का चित्र ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने किया है। फिर आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के अंदर मैंने कुछ लाइंस लगाई हैं, इन लाइंस के अंदर ही आपने वो शब्द लिखने हैं जो कि मैंने आपको लेसन में अंडरलाइन करके दिए हैं। वो आपके लिए कुछ नए शब्द हैं, वो आपने उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है और फिर उनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। लिखने के बाद बेटा आप इस पेड़ के अंदर रंग भी भरेंगे, लेकिन रंग बेटा आपने ज़्यादा डार्क नहीं भरने, लाइट भरने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क भरोगे तो उसके बाद जो आपने इसके अंदर शब्द लिखे हैं वो फिर दिखाई नहीं देंगे, तो आपने कलर डार्क करनी है। ऊपर आप कौन सा करोगे? ग्रीन कलर, हरा कलर, जैसा कि आपको पता है कि पेड़ के ऊपर हरा कलर होता है। और उसके बाद इसके नीचे तने में आप करोगे ब्राउन कलर, भूरा कलर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक्टिविटी है इस लेसन से संबंधित। तो आज आपने रीडिंग भी करनी है और अपनी कॉपी पर इस एक्टिविटी को पूरा भी करना है। इसके बाद आप मुझे आज के होमवर्क की पिक्स क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के में अंदर सेंड करेंगे, ताकि मैं उसको चेक भी कर सकूं और देख भी सकूं कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और रीडिंग आपकी मस्ट है बेटा, रीडिंग आपने डेली करनी है, चारों बुक्स की आपने डेली रीडिंग करनी है। ओके बेटा, तो ये था आज आपका हिंदी का काम। ओके, धन्यवाद।